हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त फार्मेसी शीतांशु टोरिया आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजू फार्मेसी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी सॉफ्ट जेल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पूरी 10 गोलियों की एक स्ट्रिप होती है और इसका प्रिंट रेट है सिर्फ और सिर्फ 17 रुपए। जी हाँ दोस्तों, मात्र 17 रुपीज में यहाँ जो दवा है आपको भारतीय जनौषधि केंद्र पर इजीली जो है उपलब्ध हो जाती है। इस दवा के अगर हम फायदों के बारे में बात करें तो यहाँ एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मेडिसिन है जिसका सबसे प्रमुख इस्तेमाल हमारे बॉडी में होने वाली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। यहाँ जो मेडिसिन है इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देती है जिससे हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वहाँ काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ जो मेडिसिन है माउथ अल्सर की प्रॉब्लम में भी दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को मुंह में छाले बार बार होते हो तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर द्वारा इस दवा को रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये जो दवा है टिश्यू रिपेयरिंग का बहुत ही अच्छा वर्क करती है और घाव वगैरह को भी जल्दी भरने में मदद करती है। इसके और भी कई फायदे हमारे बॉडी में मिलते हैं, जैसे कि यहाँ हमारे शरीर में आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, साथ ही हमारे हेयर, त्वचा और नाखूनों के हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है। ये जो मेडिसिन है ब्लड सेल्स के नॉर्मल फंक्शन में और साथ ही नर्व को हेल्दी बनाने के लिए भी सजेस्ट की जाती है। ओवरऑल डॉक्टर चाहे तो इसे हमारी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार की समस्या में इस दवा को जो है रिकमेंड कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, कुछ माइनर ही कंडीशन में नौसिया वॉमिटिंग जैसी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी यहाँ जो दवा है सेफ मानी जाती है। इसके जो है ज्यादा कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है, अगर हुआ तो स्टमक अपसेट जैसा भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट इस मेडिसिन के डोज जान लेते हैं कि किस तरह से इस दवा को लेना होता है। तो अडल्ट के लिए, बड़ों के लिए जो नॉर्मल डॉक्टर द्वारा डोज सजेस्ट किए जाते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो इस जो सॉफ्ट जेल को एक सॉफ्ट जेल प्रतिदिन लिया जाता है। आप डोज का टाइमिंग फिक्स रखिए तो दवा का आपको रिजल्ट और भी अच्छा मिलेगा। साथ ही आप इसे कुछ खाने के बाद लीजिए ताकि स्टमक से जुड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो पाए हमारी बॉडी में। तो आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। इसी तरह रोजाना अगर आपको दवाइयों से जुड़ी जानकारी बहुत ही आसान शब्दों में जानना है तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल एजू फार्मेसी को अपना प्यार और सपोर्ट दे सकते हैं। जल्दी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।